नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर भारत की जिम्मेदारियां संभाली है, तब से भारत सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयां ही छूने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। खास ध्यान दिया जा रहा है पड़ोसी देशों पर, जो किसी न किसी बात को लेकर भारत को आंखें दिखाने से बाज नहीं आते, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना। इसलिए भारत बाकी कामों के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आगे काम करते हुए अब भारतीय सीमाओं पर नजर रखने के लिए इसरो जल्द ही 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने जा रहा है, जिनमें से एक यानी कि पहली सैटेलाइट कार्टोसेट 3 है, जो 25 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। दरअसल PSLV C-47 रॉकेट को श्रीहरिकोटा से 25 नवंबर को 9:28 पर लॉन्च किया जाएगा। ये PSLV ही अपने साथ थर्ड जनरेशन की अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 3 और अमेरिका के 13 कमर्शियल सैटेलाइट को लेकर जाएगा, जबकि 2 दिसंबर को बाकी के 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। RESET-2 BR-1 और RESET-2 BR-2 को PSLV C-48 और PSLV C-49 की मदद से अंतरिक्ष में कार्टोसेट 3 को लॉन्च किया जाएगा। 509 किलोमीटर दूर 97.5 डिग्री के झुकाव के साथ कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि भारतीय सरहदों की निगहबानी के लिए ये तीनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भारत की आंख के तौर पर काम करने वाली है। अब आपको कार्टोसेट 3 की कुछ खासियतें बता देते हैं। इसकी सबसे पहली खासियत यह है कि ये किसी भी मौसम में धरती की तस्वीरें लेने में सक्षम है। आसमान से इसके जरिए दिन या रात कभी भी जमीन से 1 फीट की ऊंचाई तक की साफ तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस सैटेलाइट में लगा कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 0.25 मीटर यानी कि 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। जबकि अगर इसकी अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी डिजिटल ग्लोब की GOI-1 सैटेलाइट से तुलना करें तो वो 16.14 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकती है। 26/11 हमले के बाद से कार्टोसेट 3 जैसे सैटेलाइट्स की जरूरत महसूस होने लगी थी। कहा तो यहां तक जाता है कि इससे धरती पर खड़े किसी व्यक्ति की कलाई में बंधी घड़ी के समय को भी आसानी से देखा जा सकता है। इसका मुख्य काम अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर नजर रखना ही होगा, जिससे आगे भविष्य की आपदाओं को रोका जा सके। बता दें कि कार्टोसेट 3 की लॉन्चिंग पहले अक्टूबर के महीने में होनी थी, लेकिन उस वक्त जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, तो इसीलिए इसके लॉन्चिंग को टाल दिया गया और अब 25 नवंबर को इसकी लॉन्चिंग के लिए तारीख तय कर दी गई है। इससे पहले कार्टोसेट 1 को 5 मई 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। ये एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कार्टोसेट 2 को 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था, जबकि कार्टोसेट 2A को 28 अप्रैल 2008 को लॉन्च किया गया था। कार्टोसेट 2B को 12 जुलाई 2010 को, जबकि कार्टोसेट 2 सीरीज को 22 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। बता दें, इसरो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब श्रीहरिकोटा से इस साल में हुए सभी सैटेलाइट लॉन्च सैन्य उद्देश्य से ही किए गए। इससे यकीनन दुश्मन से पार पाने में भारत को मदद मिलेगी। इससे भारत धरती पर हो रही सभी गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकेगा और इसका सीधा फायदा होगा देश के डिफेंस सिस्टम को, जिसकी देखरेख में ही हम अपने घरों में बैठे खुद को सुरक्षित महसूस करा पाएंगे।